याद रहे, मुझे प्रेम के भाग्य में राजयोग ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, तो फाइनली नेपाली फिल्म प्रेम गीत 3 आज इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे दस्तक दे चुकी है और सभी जगह दोस्तों फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी अच्छी देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों इस फिल्म को आज मॉर्निंग शो से ही काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है। इस फिल्म में दोस्तों हमें प्रदीप खड़का और क्रिस्टीना गुरुंग लीड रोल में नजर आए हैं, तो वहीं दोस्तों शिवा श्रेष्ठा, सुनील थापा, संतोष सेन और मनीष रावत भी इस फिल्म में अहम किरदार में नजर आए हैं। साथ ही दोस्तों आप सभी को बताते चले कि फिल्म में हमें कई सारे शानदार रोमांटिक सॉन्ग्स भी सुनने को मिल रहे हैं, जिसमें कि हमें जुबीन नौटियाल, अंकित तिवारी और पवनदीप राजन की आवाज सुनने को मिल रही है। फिल्म के अभी तक जितने भी अर्ली रिव्यूज निकल कर सामने आए हैं, उन सभी रिव्यूज में इस फिल्म की जमकर तारीफें की जा रही हैं। खास करके दोस्तों फिल्म के लीड एक्टर प्रदीप खड़का का काम ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ ही दोस्तों इस फिल्म की लव स्टोरी और इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस भी ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। ये पहली दोस्तों नेपाली फिल्म है जिसको की हिंदी डब करके इंडिया के साथ साथ 25 से भी ज्यादा देशों में आज रिलीज किया जा चुका है। फिल्म को दोस्तों जहां नेपाल में जबरदस्त ओपनिंग मिल चुकी है, तो वहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस पे भी ये फिल्म आज काफी अच्छी ओपनिंग लेने के लिए तैयार है। बात की जाए दोस्तों फिल्म के आज फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो फिल्म को दोस्तों दुनिया भर में लगभग 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, जहां पे दोस्तों ये फिल्म अपने पहले ही दिन नेपाल से जहां 2.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेती हुई नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया से 1.5 करोड़, तो वहीं ओवरसीज मार्केट से ये फिल्म लगभग 2 करोड़ रुपए की कमाई हासिल करती हुई नजर आ रही है। ओवरसीज मार्केट में इस फिल्म को UAE, UK, कनाडा, USA, सिंगापुर, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, फिजी और साथ ही साथ कई सारे और देशों में भी रिलीज किया गया है, जहां से ये फिल्म ओवरसीज मार्केट से भी काफी अच्छी कमाई हासिल करते हुए आज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे 6 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेती हुई नजर आ रही है। और साथ ही जिस तरीके के रिव्यूज फिल्म को अभी तक मिले हैं, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म के सेकंड और थर्ड डे के कलेक्शन में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी और फिल्म अपना पूरा बजट सिर्फ इंडिया से ही महज 1 से 2 दिनों में ही रिकवर कर लेगी। वैसे दोस्तों फिल्म प्रेम गीत 3 को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? साथ ही दोस्तों आपको क्या लगता है कि फिल्म प्रेम गीत 3 इंडियन बॉक्स ऑफिस पे कितने करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन हासिल करेगी? हमें अपने प्रेडिक्शन कॉमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ। कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहा है बेल आइकन को भी दबा दीजिए।